दोस्तों अभी दिन तक 3 बजे है, देखे पहाड़ के नीचे से रास्ता गया है, इतना गुफा बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं घर से निकल चुका हूँ, तो आज का मेरा 8000 फीट ऊपर दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो आपको दिखाएंगे जो हम सिक्किम जाएंगे, सिक्किम का रास्ता, ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं, चल रहे हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं सिक्किम के लिए रेडी हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ बस पकड़ने के लिए। देखिए मैं बस के पास आ चुका हूँ, इस बस में हम जाएंगे, यहाँ पे छोड़ेगा अभी, तब जाएंगे यहाँ से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से तो सिक्किम जाने का रास्ता है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं सिलीगुड़ी के लिए, ठीक है। तो चलते हो बस में चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद चलते हैं सिलीगुड़ी, ठीक है। इस बस में चलते हैं हम। हेलो दोस्तों, मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी के लिए, ठीक है। सिलीगुड़ी जाने के बाद आप लोग को दिखाऊंगे जो क्या बोलते हैं सिक्किम, वेस्ट सिक्किम का जो गाड़ी कहाँ से मिल रहा है, क्या क्या खर्चा लगेगा, कैसे कैसे जाएंगे और कितना पैसा हम लोग का बजट है, किस पैसे से हम जा सकते हैं, उस हिसाब से आपको हर एक चीज़ का डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो अभी जाएंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से हम फिर जाके दूसरा गाड़ी पकड़ेंगे। हेलो दोस्तों, हम अभी बस से उतर चुके हैं, यहाँ पे है जंक्शन में सिलीगुड़ी। अगर सबसे पहले आएंगे यहाँ पे तो जंक्शन में आना पड़ेगा, आने के बाद जो जंक्शन से यहाँ से जो है पेलिंग का या वेस्ट सिक्किम का गाड़ी यहीं से मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आके जंक्शन में आइएगा। तो हम लोग अभी जंक्शन में आ चुके हैं, आने के बाद हमको लगा है बहुत ही ज़्यादा भूख दोस्तों, भूख लगाने के बाद हम जो है इस होटल में जगते हैं, कुछ खाते हैं, खाने के बाद फिर हम आपको दिखा रहे हैं जो गाड़ी पकड़ेंगे कहाँ से, ठीक है। दोस्तों मेरा जो है खाना आ चुका है, यहाँ पे लिए हम पूरी रोटी लिए है, रोटी नहीं सब्जी, सब्जी और सलाद लिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और इसका खाया नहीं जाएगा, उसलिए हम ये सब लिए हैं। खाने के बाद देखते हैं, अगर टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है सब्जी का। इतना अवधि नहीं है लेकिन अच्छा ही है, क्या करेंगे, सुबह का टाइम आना ही पड़ेगा क्योंकि भूख लगा है बहुत ज़्यादा। आते हैं खाने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो जंक्शन में आपके यहाँ पे आएगा सिक्किम बस स्टैंड में, सिक्किम बस स्टैंड में आके जो काउंटर है यहाँ पे काउंटर में टिकट काटेंगे, टिकट काटने के बाद 600 रुपये टिकट देता है एक आदमी का, 600 यहाँ पे टिकट। तो हेलो दोस्तों, हम अभी निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से, ठीक है, सिक्किम वाला स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग पेरिंग के लिए। आप जैसे गाड़ी में चढ़ चुके हैं, अब जाएंगे यहाँ पे, अब जा रहे हैं यहाँ से पेरिंग दिखाएंगे आप लोग, तो हम लोग अभी चलते हैं पेरिंग के लिए। यहाँ से सिलीगुड़ी से पेलिंग मतलब सिक्किम, वेस्ट सिक्किम जो है 8000 फीट ऊपर दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग हालत क्या होगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा लास्ट में जाते जाते हम लोग का जो हालत होगा वो क्या होगा। 8000 फीट ऊपर कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं लेकिन हम लोग का हालत क्या होने वाला है, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम लोग लास्ट में दिखाते रहेंगे हम लोग का हालत क्या होगा आखिर, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम लोग जा रहे हैं सिक्किम के लिए। तो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, देखो अंधेरा हो चुका है चारों ओर से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं चारों ओर से पूरा पहाड़ है, पूरा बारिश भयंकर बारिश हो रहा है अभी यहाँ पे। यहाँ से अभी हम लोग को 4 घंटा लगेगा जाने में, 1 घंटा हुआ तो रास्ते में हम लोग बैठे हुए हैं नीचे गाड़ी में। यहाँ से सिक्किम जाएंगे, सिक्किम जाने के बाद आपको दिखाएंगे वहाँ पे कितना बारिश हो रहा है और कैसा वेदर है वहाँ का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ का आगे का जो व्यू आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, पूरा बारिश हो रहा है यहाँ पे, डेंजर बारिश। पूरा देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है। पानी देख सकते हैं दोस्तों, इतना पानी लहर रहा है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो कितना प्लेस है दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ का, जो तीस्ता ब्रिज मतलब त्रिवेणी के पास। हम लोग जा रहे हैं सिक्किम 8000 फीट ऊपर।
तो हेलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं क्योंकि बीच में आके रुक चुके हैं, क्योंकि सिक्किम का और सिलीगुड़ी का बीच में आए हम अभी रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी खाना खाने के लिए यहाँ पे जो है मेरे पास ये मेरे पीछे होटल है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी रुका हुआ है, उसके बाद ये होटल में खाएंगे, खाने के बाद उसके बाद आप लोग को फिर लेके जाएंगे सिक्किम। यहाँ का नज़ारा देखे आप लोग, देख सो हमारी बात, आप देख सकते हैं पहाड़ यहाँ का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम अभी है जोरथांग बस स्टैंड में, यहाँ से पेलिंग है 10 किलोमीटर, तो अब हम लोग जोरथांग में रुके हुए हैं, उसके बाद जाएंगे अब पेलिंग, ठीक है। अभी जोरथांग बस स्टैंड में रुके हुए हैं, तो है सब उतर रहा है जो जोरथांग जाने वाला है, उसके बाद जाएंगे हम लोग पेलिंग के लिए। ये जोरथांग है, देख सकते हैं चारों ओर से, जोरथांग का बस स्टैंड, यहाँ से जो सिक्किम मतलब वेस्ट सिक्किम यहाँ से 10 किलोमीटर है पेलिंग के लिए, तो ये हुआ जोरथांग का बस स्टैंड, आप देख सकते हैं। और सिक्किम का पूरा सीरीज आएगा दोस्तों, सब लोग एक करके देखिएगा, पूरा सीरीज आने वाला है, तो आप पूरा देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कितना डेंजर रास्ता है, पहाड़ सब जो पत्थर सब है वो धस चुका है, कितना डेंजर रास्ता है, कितना खतरा है, आपके लिए कितना खतरा उठाते हैं दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए कितना खतरा उठा के हम लोग जाते हैं आपको ये सब चीज़ दिखाने के लिए, डेंजर डेंजर चीज़ देखे रास्ते में, आप देख सकते हैं कितना खतरा उठा के आपके लिए जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, मेरा परिवार है आप लोग, मेरा परिवार के लिए हम जा रहे हैं, इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए तो कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सर हमको तो बताइए दोस्तों कैसा लगा। तो देख सकते हैं यहाँ का गुफा वाला ब्रिज, ये वहाँ पहाड़ के बीच पे दोस्तों, पहाड़ के बीच गया ये ब्रिज, कितना खतरा है, बहुत डर लग रहा है इस रात दोस्तों। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है, चारों ओर से कुहासा, देख सकते हैं आप रास्ता को, पूरा अंधेरा एकदम, चारों ओर से कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग सिलीगुड़ी से निकले थे, पूरा दिन था, 12 बजे निकले थे सिलीगुड़ी से, यहाँ से आप देखे रात का 8 बज गए, फिर भी हम लोग नहीं पहुँचे अभी सिक्किम हम लोग का जगह में, आप देख सकते हैं चारों ओर रास्ता कितना ख़राब है और चारों ओर अंधेरा हो चुका है दोस्तों। आपके लिए सिर्फ इतना मेहनत करते हैं, देख सकते हैं रास्ता सब जान, पूरा चारों ओर से रास्ता पूरा ख़राब है। तो हम आ चुके हैं पेलिंग में, ठीक है, बहुत रात हो चुका है यहाँ पे, मोटा कितना टाइम हो रहा है, 8 बज चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हम लोग पेलिंग आ चुके हैं, हम पूरा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर वाला रास्ता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, आप लोग के लिए आए इतना मेहनत करके, तो आप ये वीडियो जब बहुत ही जल्द आएगा आप लोग के पास, तो अभी चलते हैं रूम खोजने के लिए, ठीक है, रूम जा रहे हैं, राम जाने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए अपना होटल में, ठीक है, तो इस होटल में हम अभी रुकेंगे, रुकने के बाद तो कल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थकने के बाद जो सुबह है, सुबह निकलेंगे तब जाएंगे स्काई वॉक, ठीक है, तो अभी जाते हैं अपना रूम में, रूम में जाके फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद जहाँ पे खाएंगे, खाने के बाद आप लोग को से बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम जाके अपना रूम में जाके ले आएंगे, ठीक है। मेरा होटल दोस्तों, आप देख सकते हैं होटल, ये है मेरा रूम, अभी जाएंगे रूम में, रूम आपको दिखाते हैं। ये मेरा रूम, कितना प्यारा सा रूम है, ओ माय गॉड, चारों ओर से दिखा रहे हैं आपको रूम, तो बहुत ही प्यारा सा रूम है। ये हुआ बेडरूम, उसके बाद ये हुआ लाइट, ये कॉफी पीने का, उसके बाद ये देख टीवी लगा हुआ है, उसके बाद ये हुआ टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट नंबर है यहाँ का रिसेप्शन का, कुछ अगर ज़रूरत हो तो हम यहाँ मसे मांगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दिया ये मतलब कुछ अगर सामान रखे गए तो यहाँ बैग वग रखने के लिए है। तो दोस्तों बहुत थक चुके हैं, अभी थोड़ा सोएंगे, सोने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, बहुत थक चुके हैं दोस्तों, ओ माय गॉड। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी होटल से, थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद बहुत थक चुके थे, अभी थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अभी जा रहे हैं खाने के लिए, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर जाके सो जाएंगे, सोने के बाद सुबह उठ के फिर जाएंगे वॉक करने के लिए, ठीक है। मेरा होटल माउंट व्यू, अच्छा ही रूम है, रूम सब भी अच्छा है, होटल भी अच्छा है, आप देख सकते हैं होटल को,
बहुत ही बड़ा होटल है। अभी जा रहे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो किचन था शायद वो किचन अभी बंद है, उसी वजह से हम लोग साइड में जाएंगे इस यहाँ पे खाने के लिए। खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पेलिंग का ये नज़ारा। अभी यहाँ का 9 बज चुका है, अभी हम खाने आए हैं यहाँ पे, खाएंगे अभी। खाने के बाद फिर चलेंगे अपना रूम में, रूम में जाके सो जाएंगे दोस्तों, बहुत थक चुके हैं। अभी देख सकते हैं ये यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे अभी खाएंगे, खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में आके हम बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आधा घंटा टाइम लगेगा। आधा घंटा क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि उससे पहले कोई और ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर बनाते बनाते हम लोग का लेट आधा घंटा, हमको बोला कि बैठे आधा घंटा वेट कीजिए, उसके बाद आपका लेके आएंगे हम। आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद जो मेरा ऑर्डर दिया है वो रेडी हो जाए, उसके बाद खाएंगे, खाने के बाद जाके सोएंगे दोस्तों। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, और उसके बाद आप लोग को बताएंगे यहाँ पे आने का खर्चा कितना लगता है, क्या क्या जो चीज़ है सब कुछ बताएंगे जाके रूम में, ठीक है। तो यहाँ पे खा लेते हैं, बहुत भूख लगा है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम अभी खाना खाए, खाना खाने के बाद अभी आ गया अपना होटल में, द माउंट व्यू। ये हम लोग का होटल, मेरा होटल। अभी जाएंगे होटल में डायरेक्ट, जाने के बाद जाके सोएंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ठंडा है, बहुत हवा है, देख सकते हैं। यहाँ तो उठेंगे होटल में, यहाँ छाता दे रहे क्या, छाता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हाँ है ना, हम वहाँ पे देखते हैं जाके। आप कैसे आए सर? तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं खाना खा के रूम में। रूम में आने के बाद दोस्तों क्या बोलेंगे, आने के बाद लगता है कि माथा तो है ही नहीं, पूरा जो सर है लगता है चारों ओर से घूम ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। खाए फिर भी थोड़ा बहुत खाने के बाद अच्छा लगा। तो दोस्तों जब भी आएंगे यहाँ के, 2 दिन के लिए आएंगे, ठीक है, 1 दिन के लिए कभी भी, बहुत हरासमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद पेलिंग जो है ये अपर में है, एक मिडिल है, एक तो लोअर है, तो हम लोग हैं अपर में आने के बाद। यहाँ का होटल का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग का होटल जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत मिला है, बहुत ही आपको दिखाई, रूम बेडरूम बहुत ही अच्छा है। ये रूम का जो रेंट है मेरा वाला 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपया है, 1000 रुपये में मिलेगा, 800 रुपये में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा लोअर में जाएंगे तो और भी कम मिलेगा, तो आप लोग कम बजट है तो थोड़ा लोअर में जा सकते हैं। लोअर में जाने के बाद आप लोग वहाँ पर फूडिंग एक साथ ही ले लीजिएगा। सबसे पहले सिलीगुड़ी, जितना भी लोग आएंगे सिलीगुड़ी से ही आना पड़ेगा, मेन स्थान है उसका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से आप लोग वेस्ट सिक्किम आए, साउथ सिक्किम आओ, हर एक चीज़ वही सिलीगुड़ी से ही रास्ता है इसका। कैंड लोग यहाँ के भी जाए, वही से रास्ता है इसका। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा थक चुके, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजर, इतना हमको ख़राब लगा था दोस्तों जब आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता लगा हमको, बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, बहुत डरावना लगा था, क्योंकि इतना खाई, एक तरफ है समुंदर एकदम खाई है और एक तरफ है पहाड़, और रास्ता बारिश हो रहा था, इतना हमको डर लगा था बारिश में, चारों ओर से दिख नहीं रहा, अंधेरा हो चुका था, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। सबसे पहले जाके आप लोग बेल आइकन दबाइए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके आए हैं दोस्तों, कुछ तो रहम कीजिए मेरे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा खतरा से खेल के आए हैं, तो आपके लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो सुबह जो है आपको दिखाएंगे जो यहाँ का इंडिया का सबसे पहला ग्लास का ब्रिज, वो दिखाएंगे आपको, जो शीशे का पुल बना हुआ है वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद 150-200 श्री वाला एक तो बुद्ध मंदिर है उसको, वो दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, आपको पूरा जो है हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो यहाँ का जो खर्चा लगेगा फटाफटी कितना, 1500-600 रुपया करके एक आदमी का आने का है सिलीगुड़ी से, यहाँ पे एक आदमी का 600 रुपया लेता है सरकारी में, तो 600 रुपया उधर हो गया, 600 इधर 1500, मतलब मोटा मोटी सिंगल आएंगे तो 4-5 हज़ार में हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा कम में अगर रेंट लेंगे नीचे में जाके तो वही 3,500-4,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, घूमना फिरना हर एक चीज़। 2 दिन के लिए 5,000 मान के चलिए, हर एक चीज़ अवेलेबल। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, आने के बाद खुद ही देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा जगह जो है डेंजर रास्ता है,
क्योंकि एक तरह से पहाड़ जो है गिर रहा था, धस रहा था बारिश में। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके यहाँ पे आए आप लोग के लिए। तो आप लोग सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे लिखा रहेगा ऑल, ऑल में जाके आप लोग क्लिक कीजिए, क्योंकि ऑल में करेंगे तो जितना भी वीडियो वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग के पास आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत मेरा वीडियो आपके पास चले जाएगा, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा पूरा सीजन आएगा, सिक्किम का पूरा सीजन आएगा, हर एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू देखेंगे, कल फिर एक नया वीडियो आएगा तो आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हम करते हैं एंड, क्योंकि हम अभी जाने हैं सोने, फिर सुबह आप लोग से मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।